फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी विल ट्रांसलेट चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। आज हम ट्रांसलेट करेंगे चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स को, एंड दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट। यह पहला भाग होगा। सो लेट्स स्टार्ट। We use electricity for many purposes to make our tasks easier. हम electricity को means बिजली को बहुत से purposes means बहुत से इरादों के लिए उपयोग करते हैं, हमारे tasks को means काम को आसान बनाने के लिए। For example, उदाहरण के तौर पर, we use electricity to operate pumps that lift water from wells or from ground level to the rooftop tank. हम उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिजली का ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए पंप्स को जो कि लिफ्ट करते हैं वाटर को वेल्स से, कुएं से, या फिर ज़मीन के लेवल से छत तक, छत के ऊपर टैंक तक मींस टंकी तक। वॉट आर अदर पर्पजेज फॉर विच यू यूज इलेक्ट्रिसिटी, और क्या दूसरे पर्पसेस हैं, इरादे हैं इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने के लिए। लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक, आप उनमें से कुछ को नोटबुक में लिस्ट बनाइए। डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग, क्या आपकी लिस्ट में बिजली का उपयोग लाइटिंग के लिए मींस रोशनी के लिए शामिल है। इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट फ्रॉ आवर हाउसेज या होम्स, जो इलेक्ट्रिसिटी है बिजली है वह यह संभव कर देती है लाइट को, रोशनी को हमारे घरों में, रोड्स, ऑफिसेज, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज, इवन आफ्टर सनसेट। रोड्स पर, ऑफिसेज, मार्केट्स और फैक्ट्रियों पर भी सनसेट के बाद मीन सूरज ढलने के बाद। दिस हेल्प्स अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट, यह हमें मदद करती है रात को काम करने में। अ पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस विथ इलेक्ट्रिसिटी, हाउ एवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मे फेल और इट मे नॉट बी एबल एट सम प्लेसेज, एक पावर स्टेशन हमें देता है इलेक्ट्रिसिटी, हालांकि जो सप्लाई है मीन संचारण है बिजली का वह फेल हो सकता है या फिर वह अवेलेबल नहीं होता, मीन्स वह उपलब्ध नहीं होता कुछ जगहों पर। इन सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में अ टॉर्च इज समटाइम्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट, जो टॉर्च है मीन्स एक टॉर्च कभी कभी उपयोग की जाती है लाइट प्रोवाइड करने के लिए। अ टॉर्च हैज अ बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन, एक टॉर्च के पास बल्ब रहता है जो कि लाइट अप रहता है मीन्स वह रोशनी देता है जब उसे ऑन किया जाता है। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम, जो टॉर्च है उसे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है। 12.1 इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल, जो इलेक्ट्रिसिटी है बल्ब में वह टॉर्च के अंदर बल्ब में वह संचारित की जाती है इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा। इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स, मीन्स जो इलेक्ट्रिक सेल है वह उपयोग की जाते हैं अलार्म क्लॉक्स के लिए, रिस्ट वॉचेज, ट्रांसिस्टर रेडियोज, कैमराज एंड मैनी अदर डिवाइजेज, ट्रांसिस्टर रेडियोज, कैमराज और बहुत से दूसरी डिवाइजेज। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल, क्या आपने कभी देखा है इलेक्ट्रिक सेल को गौर से। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट इट हैज अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड अ मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड, आपने देखा होगा कि इसके पास छोटी सी मेटल कैप रहता है मीन्स मेटल की टोपी रहती है एक साइड पर और दूसरी साइड पर एक मेटल की डिस्क। फिगर 12.1, डिड यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल, क्या आपने देखा है
कि पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव साइन जो कि मार्क्ड है इलेक्ट्रिक सेल पर। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जो मेटल कैप है वह पॉजिटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रिक सेल का। द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल। और जो मेटल डिस्क है वह नेगेटिव टर्मिनल है। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक सेल्स के पास दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। एंड इलेक्ट्रिसिटी सेल provides electricity from the chemicals stored inside it. जो electric cell है वह produce करता है, भेजता है electricity को chemicals से जो कि इसके अंदर store रहते हैं। When the chemical in the electric cell are used up, जब जो chemical used हो जाते हैं electric cell में, the electric cell stops, जो electric cell है वह रुक जाता है प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी भेजने से रुक जाता है। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज टू बी रिप्लेस विद अ न्यू वन। जो इलेक्ट्रिक सेल है वह रिप्लेस हो जाता है एक नए के साथ। अ टॉर्च बल्ब हैज एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटलिक बेस। जो टॉर्च बल्ब रहता है वह उसके आउटर केस में जो ग्लास रहता है वह फिक्स्ड रहता है मेटेलिक बेस से। फिगर 12.2। व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब। ग्लास केस, बल्ब के ग्लास केस के अंदर क्या रहता है। एक्टिविटी 1, टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। एक टॉर्च लीजिए और बल्ब के अंदर देखिए। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आप बल्ब को निकलवा सकते हैं अपने टीचर की मदद से। वॉट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करते हैं। डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब। क्या आप पाते हैं कि पतली वायर जो कि मिडल में रहती है ग्लास बल्ब के। फिगर 12.2 बी। नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। अब टॉर्च को ऑन कर दीजिए और देखिए कि कौन सा पार्ट बल्ब का चमक रहा है। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। जो थिन वायर है वह देता है लाइट को, वह उसे फिलामेंट कहते हैं बल्ब का। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स। जो फिलामेंट है वह टू थिकर वायर से, मीन्स दो मोटी वायर से फिक्स रहता है। विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट, जो कि इसे सपोर्ट प्रोवाइड भी करती हैं। एज शोन इन फिगर 12.2b, जैसा कि फिगर 12.2b में दिखाया गया है। वन ऑफ दीज थिक वायर्स इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। फिगर 12.2। इनमें से एक मोटी वायर कनेक्टेड रहती है मेटल केस से बेस पर, मीन्स बल्ब के नीचे के हिस्से पर। फिगर 12.2b। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। जो दूसरी मोटी वायर रहती है वह कनेक्ट रहती है मेटल टिप से बेस के बीच में। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। जो बेस रहता है, नीचे का हिस्सा रहता है बल्ब का, और मेटल टिप रहती है बेस की, वह दोनों टर्मिनल्स होते हैं बल्ब के। दीज टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड, यह दो टर्मिनल फिक्स्ड रहते हैं। इन सच आ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। द इलेक्ट्रिक बल्ब्स यूज्ड एट होम ऑल्सो हैव अ सिमिलर डिज़ाइन। जो इन ऐसे वे में, ऐसे तरीके में कि वे दोनों टच नहीं रहते एक दूसरे से। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वह यूज्ड रहता है, मीन्स उपयोग रहता है होम पर, घर पर, वह भी सिमिलर डिज़ाइन का रहता है। Thus, both the electric cell and the bulb have two terminals each. इसलिए जो दो
दो इलेक्ट्रिक सेल रहते हैं और बल्ब के दो टर्मिनल्स रहते हैं. वाई डू दे हैव दीज टू टर्मिनल्स, उनके पास यह दो टर्मिनल क्यों होते हैं. 12.2 आ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, जो बल्ब है वह इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्टेड रहता है. लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल. हाउ डू वी डू दैट, चलिए हम कोशिश करते हैं बनाने की बल्ब जो कि इलेक्ट्रिक सेल से लाइट उपयोग करता है. हम कैसे उसे बनाएंगे, हाउ डू वी डू दैट, हम कैसे वह करेंगे. एक्टिविटी टू, टेक फोर लेंस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विथ डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग्स. चार लेंथ लीजिए इलेक्ट्रिक वायर की अलग अलग कलर्ड की प्लास्टिक कवरिंग से. रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड, थोड़ा थोड़ा हटा दीजिए प्लास्टिक कवरिंग को प्रत्येक लेंथ वायर की लेंथ से उसके एंड से कोने से. दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स एट द एंड्स ऑफ ईच लेंथ, यह एक्सपोज करेगा मेटल वायर को एंड पर कोने पर प्रत्येक लेंथ की. फिक्स द एक्सपोज पार्ट्स ऑफ टू वायर्स टू द सेल एंड द अदर टू ऑफ द बल्ब एज शोन इन फिगर 12.3 एंड 12.4. फिक्स कीजिए एक्सपोज्ड पार्ट्स को दो वायर की सेल की और दूसरे दो बल्ब जैसा कि फिगर 12.3 और 12.4 में दिखाया गया है. यू कैन स्टिक द वायर्स टू द बल्ब विथ द टेप यूज बाय इलेक्ट्रीशियंस, आप स्टिक कर सकते हैं, चिपका सकते हैं वायर को बल्ब की एक टेप के साथ इलेक्ट्रीशियंस के द्वारा जो उपयोग किया जाता है. यूज रबर बैंड्स और टेप टू फिक्स द वायर्स एंड टू द सेल, उपयोग कीजिए रबर बैंड या फिर टेप का जो कि वायर फिक्स करने के लिए सेल पर. नाउ कनेक्ट द वायर्स फिक्स टू द बल्ब विथ दोज अटैच्ड टू द सेल इन सिक्स डिफरेंट वेज एज हैव बीन शोन इन फिगर 12.5A to F. अब कनेक्ट कर दीजिए वायर्स को जो कि फिक्स हैं बल्ब पर साथ में जो कि अटैच हैं सेल से, छह डिफरेंट अलग तरीकों में, मींस छह अलग तरीकों में दिखाया गया है फिगर 12.5A to F तक. फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट वेदर द बल्ब ग्लोज और नॉट, प्रत्येक अरेंजमेंट के लिए देखिए कि बल्ब जलता है कि नहीं. Write yes or no for each arrangement in your notebook. Yes or no लिखिए प्रत्येक arrangement के लिए आपकी notebook में. Now carefully look at the arrangements in which the bulb glows. अब ध्यानपूर्वक देखिए arrangements को जिसमें जो bulb है वह जलता है. Compare these with those in which the bulb does not glow. Compare कीजिए उन्हें जब bulb जलता नहीं है. कैन यू फाइंड द रीज़न फॉर द डिफरेंस, क्या आप रीज़न फाइंड कर सकते हैं डिफरेंस के लिए. कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर नियर वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट इन फिगर 12.A. रखिए एक टिप को मीन्स कोने को आपकी पेंसिल की वायर के पास मीन्स डोरी के पास टर्मिनल एक टर्मिनल पर इलेक्ट्रिक सेल के अरेंजमेंट के लिए फिगर 12.5A के. मूव द पेंसिल अलोंग द वायर ऑल द वे टू द बल्ब, मूव कीजिए पेंसिल को मीन्स हिलाइए पेंसिल को साथ में वायर के सभी तरीकों में बल्ब के. Now from the other terminal of the bulb move along the other wire connected to the cell. अब दूसरे टर्मिनल से बल्ब के मूव कीजिए मीन्स हिलाइए साथ में दूसरी वायर को जो कि सेल से कनेक्टेड है. रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल द अदर अरेंजमेंट्स इन फिगर 12.5. रिपीट कीजिए इस एक्सरसाइज को सभी अरेंजमेंट्स के लिए फिगर 12.5 की.
Did the bulb glow for the arrangements in which you could not move the pencil from one terminal to the other? क्या जो बल्ब है वह जलता है अरेंजमेंट्स के लिए साथ में आप मूव नहीं कर सकते पेंसिल को एक टर्मिनल से दूसरे तक. 12.3 एन इलेक्ट्रिक सर्किट. इन एक्टिविटी टू यू कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल थ्रू वायर्स पासिंग टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब. गतिविधि दो में आपने कनेक्ट किए थे मिलाए थे एक अंत इलेक्ट्रिक सेल के दूसरे अंत से वायर के द्वारा जो कि पास कर रही हैं निकल रही हैं इलेक्ट्रिक बल्ब्स से. नोट दैट इन द अरेंजमेंट्स शोन इन फिगर 12.5 ए एंड एफ. नोट कीजिए अरेंजमेंट्स को जो कि फिगर 12.5 ए और एफ में दिखाए गए हैं. द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल वर कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब. जो दो टर्मिनल्स हैं मीन्स जो दो अंत इलेक्ट्रिक सेल के वह कनेक्टेड हैं मीन्स जुड़े हुए हैं दो अंत से बल्ब के. सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट. ऐसा एक अरेंजमेंट एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक सर्किट का. द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ और इलेक्ट्रिसिटी टू पास करंट टू फ्लो बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वह देता है ए कंप्लीट मीन्स पूरा रास्ता इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो कि पास होता है मीन्स निकलता है दो अंत के बीच में से इलेक्ट्रिक सेल के. द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट. जो बल्ब जलता है सिर्फ जो करंट है जब वह फ्लो करता है निकलता है सर्किट से तभी जो बल्ब है वह जलता है. इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एज शोन इन फिगर 12.6. एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो डायरेक्शन होती है करंट की वह ली जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल मीन्स अंत तक इलेक्ट्रिक सेल की जैसा कि फिगर 12.6 में दिखाया गया है. व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड विद दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल बाय वायर्स. जो जब टर्मिनल्स हैं मीन्स अंत हैं बल्ब के वे कनेक्ट किए जाते हैं इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा मीन्स इलेक्ट्रिक सेल को रस्सियों के द्वारा जो करेंट द करेंट पासिस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब. जो करंट है वह पास होता है मीन्स निकलता है फिलामेंट से बल्ब के. दिस मेक्स द बल्ब ग्रो. यह जो बल्ब है उसे जलाता है. समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू द सेल. कभी कभी जो बल्ब है वह जलता नहीं है यदि हम उसे कनेक्ट करें सेल से. दिस में हैपन इफ द बल्ब हैज फ्यूज. यह तब होता है जब बल्ब फ्यूज हो जाता है. लुक एट अ फ्यूज बल्ब केयरफुली. एक फ्यूज बल्ब को ध्यान से देखिए. इज द फिलामेंट इनसाइड इट इंटैक्ट. क्या फिलामेंट अंदर इंटैक्ट है मीन्स पूरा है. एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजंस. एक इलेक्ट्रिक बल्ब बहुत से रीज़न की वजह से फ्यूज हो जाता है. वन रीज़न फॉर अ बल्ब टू फ्यूज इज अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट. एक रीज़न मीन्स एक कारण बल्ब का फ्यूज होने के लिए इसका फिलामेंट टूटना है. अ ब्रेक इज इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. एक ब्रेक मीन्स टूटा हुआ फिलामेंट. एक इलेक्ट्रिक बल्ब का मतलब है कि जो एक पाथ ब्रेक हुआ मीन्स रास्ता टूट गया है करंट का अंतिम मीन्स अंत के बीच में इलेक्ट्रिक सेल के.
देयरफॉर अ फ्यूज बल्ब डज नॉट लाइट अप एज नो करंट पासिस थ्रू इट्स फिलामेंट। इसी कारण जो फ्यूज बल्ब है वह लाइट नहीं होता, मींस जलता नहीं है, करंट पास नहीं होता, मींस जो करंट है वह निकलता नहीं है इसके फिलामेंट से। फिलामेंट मींस जो बल्ब के बीच में रेशा होता है उसे फिलामेंट कहते हैं। कैन यू नो एक्सप्लेन वाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन यू ट्राई टू डू सो विद द अरेंजमेंट्स शोन इन द फिगर 12.5 बी सी डी एंड ई। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो बल्ब नहीं जला जब आपने कोशिश की ऐसा करने की अरेंजमेंट्स को जो कि फिगर 12.5 बी सी डी ई और ई में दिखाए गए हैं। नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। अब हम जानते हैं कि एक बल्ब को कैसे जलाना है एक इलेक्ट्रिक सेल को इलेक्ट्रिक सेल का उपयोग कर। वुड यू लाइक टू मेक अ टॉर्च फॉर योरसेल्फ। क्या आप एक टॉर्च बनाएंगे अपने आप के लिए। ओके फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड पार्ट वन ऑफ चैप्टर 12। इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट विल कम सून।